हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं विवेक सोलंकी, ये मेरे भाई अजय सोलंकी। आज हम बात करने जा रहे हैं कारों से हटके मीडिया टीवी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये जो टीवी है दोस्तों, ये जो मी का 32 इंच का 4A टीवी था, उसका लेटेस्ट वर्जन है जो कि 9 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसकी कीमत है 14,999। पुरानी टीवी से 1,000 रुपये ज़्यादा महंगा है, लेकिन पुरानी टीवी से इसमें बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा हैं। जैसे इसके अंदर पुरानी टीवी सिर्फ पैच वाला आता था, लेकिन नई टीवी में इसमें गूगल प्ले को भी शामिल किया गया है, यानी आप एंड्रॉयड का पूरा मजा ले सकते हैं। इसके अंदर गूगल क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, यानी आपको अपना कंटेंट स्ट्रीम करने के लिए बाहर से गूगल क्रोमकास्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर पहले से ही है। आप सीधा अपना फ़ोन का कंटेंट इसमें स्ट्रीम कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें आपकी बार गूगल असिस्टेंट का फंक्शन भी दिया गया है। इसके अंदर रिमोट के अंदर एक बटन है, वो हम आपको जब अनबॉक्सिंग करेंगे आपको दिखाएंगे। उस बटन को प्रेस करके आप वॉइस असिस्ट के सहारे कुछ भी आप इसके अंदर देख सकते हैं टीवी के अंदर। एक चीज़ और एक्स्ट्रा है इसके अंदर, जो वाईफाई है, पुराने टीवी से इसके अंदर वाईफाई फास्ट दिया गया है, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये इसका बिल है, इसको हम हटा देते हैं। तो ओपन होने जा रहा है मी टीवी। ओ फर्स्ट, क्या हुआ कि क्या रिमोट है, फर्स्ट में आया इसका रिमोट, आया सबसे ऊपर, देख सकते हैं हम। जिस बटन के बारे में हम बात कर रहे थे वो ये बटन है, जिसके द्वारा आप वॉइस असिस्ट को यूज कर सकते हैं। बाकी का जो फंक्शन है वो पुराने मॉडल के हिसाब से ही है, सेम है, तो इसमें और कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद आता है इसका स्टैंड, फर्स्ट ये है और दो ये स्टैंड है, इसके टेबल वाले स्टैंड है ये। और निकालते हैं टीवी को, पैकिंग तो काफी अच्छी है। ये गाइड्स वगैरह है, इसकी गाइड है, फिर बाद में पढ़ के दिखाएंगे हम आपको। और अब निकलने जा रहा है हमारा टीवी, देख सकते हैं किस टाइप का टीवी है। तो बॉक्स को साइड में रखते हैं, ये देखिए आप साइड से भी देख सकते हैं। पीछे से भी देख लेंगे। तो दोस्तों अब इसको इंस्टॉल करते हैं और चला के देखते हैं। एक साइड के लग चुके हैं, अब दूसरी साइड के अटैच कर रहे हैं। तो हमारे माउंट के स्क्रू टाइट हो चुके हैं, चलो टीवी को ऑन करके देखते हैं। ये रिमोट है इसका, ओपन करते हैं इसको। तो दोस्तों जल्दी से हम टीवी को सेटअप कर लेते हैं।
ये पैनल है जो मैंने ये पैनल का मैग्नेटिक कर दिया फिर से कर दी ठीक है तो दोस्तों हमारा टीवी सेट हो चुका है, वाईफाई को हमने अटैच कर दिया है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, गूगल अकाउंट से आप इसको लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद जब भी आप मेगा बटन दबाएंगे, देखिए मेगा बटन या होम बटन है, होम बटन दबाने पर कुछ आपकी स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी। ये इसके कंटेंट है, क्योंकि ये स्मार्ट टीवी है तो ये इसकी आपको जो स्क्रीन है होम स्क्रीन वो ऐसी दिखाई देगी। इसके अंदर देखिए जो फंक्शंस हैं वीआईपी हैं, इसके अंदर मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐप उन्होंने डिफॉल्ट दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको सोनी देव है, हंगामा प्ले है, ये देखिए हीरोज नाव है, G5 है, ये आप इसको पैच ऑन के अंदर ही आपको मिल जाएगी ऐप्स। और इसमें ऊपर आप देख सकते हैं मूवीज़ भी देख सकते हैं, आप टीवी शोज भी देख सकते हैं, म्यूज़िक भी देख सकते हैं, ओरिजिनल्स जो कि सीरियल्स आते हैं, और स्पोर्ट्स में आपके पास सोनी देव है, और किड्स के लिए इसमें बहुत सारी कंटेंट है, ये आप देख सकते हैं, किड्स का कंटेंट भी चेक कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्ले स्टोर कैसे काम करता है। तो दोस्तों हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, ये देखिए ये आपकी ऐप्स हैं, इसमें गूगल प्ले स्टोर है, ये देखिए गूगल प्ले स्टोर पे आप कौन कौन सी ऐप इससे कंपेटेबल है वो सारी ऐप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये ऐप आपको दिखाई दे रही है, मूवीज के लिए आप ये ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए फेसबुक की ऐप भी है, एमएक्स प्लेयर वगैरह सारी ऐप्स इसके अंदर। अब हम आपको इसकी क्वालिटी दिखाते हैं, इसके लिए हम चलाते हैं यूट्यूब, जिसमें हम आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी और इसकी स्क्रीन क्वालिटी दिखाते हैं। चलो दोस्तों ये यूट्यूब ओपन हो गया है, ये है हमारे वो लेटेस्ट वीडियो जिसमें विवेक जी आपको गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बता रहे थे, इसके ऊपर आवाज लेता हूँ। रूफ पे देख सकते हैं आप, और बैक में आप देख सकते हैं थर्ड पिलर जो है उस पर भी मैं अब मैं मी का होम बटन दबाता हूँ। ये देखिए सबसे मेन फीचर इस टीवी में जो पुराने मॉडल से नए मॉडल में जो फर्क आया है वो है असिस्टेंस का। अब उसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमने बटन दबाया प्ले यूट्यूब वीडियो, बैटरी डाउन। ऑलराइट, हियर्स बैटरी डाउन वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो देखते हैं जो हमने सॉन्ग बोला है कोई सॉन्ग प्ले कर पाता है कि नहीं कर पाता। इसका मतलब ये बटन बहुत अच्छा काम करता है। तो थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं दोस्तों। आपको इससे अच्छा टीवी मुझे नहीं लगता कोई मिल पाएगा, ठीक है। और इसके अमेजन ने एक चीज और एक्स्ट्रा दिया हमें कि एक साल की वारंटी तो नहीं दे रहा है, और अमेजन भी आपको एक साल की फ्री वारंटी दे रही है, यानी आपको दो साल की वारंटी मिल जाएगी इस टीवी के ऊपर।
डिटेल में इस टीवी के जो फंक्शन है, फीचर्स हैं, वो हम आपको एक हफ्ता 10 दिन इस टीवी को यूज करके आपको इसका डिटेल रिव्यू देंगे और बताएंगे कि इस टीवी में क्या क्या खासियत है, क्या कुछ कमियां हैं। और दोस्तों, अगर आपने भी ये टीवी लिया है तो आपको ये टीवी कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम दोस्तों।